इसका बी पार्ट देखिए, ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है एंड ए इनवर्स हमारे पास ये दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस एक्स माइनस ऑफ बी प्लस वाई की। तो ये वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें ए एक्स बी वाई इन सब की वैल्यू पता चल जाए तो हम उन्हें यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। बट इन सब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए और ए इनवर्स दे रखा है, वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आई के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू हम यहां रख देंगे, दैट इज माइनस वन ए टू वन टू एक्स थ्री वन वन इंटू ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे वन माइनस वन वन और ये आई के इक्वल है यानी कि वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इसके इक्वल है। यहां इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ गया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस वन माइनस का एट ए प्लस का टू बी प्लस का वन सेवन ए प्लस टू वाई माइनस का वन माइनस का फाइव ए प्लस सिक्स। सेकेंड रो की वन माइनस का सिक्सटीन प्लस का बी एक्स माइनस का वन प्लस का फोर्टीन प्लस का एक्स वाई वन माइनस टेन प्लस थ्री एक्स। यहाँ पे थ्री माइनस एट थ्री माइनस एट प्लस बी माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस वाई, यहाँ पे आ गया थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री और सामने है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अभी इनको ज़रा हम एड अप करते हैं, यहाँ तो सेम आ जाएगा माइनस एट ए प्लस टू बी माइनस वन, यहाँ सेवन ए प्लस टू वाई प्लस वन, यहाँ पे माइनस का फाइव ए प्लस का फाइव, यहाँ पे माइनस का फिफ्टीन प्लस बी एक्स थर्टीन प्लस एक्स वाई एंड थ्री एक्स माइनस नाइन, यहाँ पे माइनस का फाइव प्लस बी और यहाँ पे आ गया प्लस का फोर प्लस वाई एंड यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। हम लिखेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब हमें उन्हें ही कंपेयर करेंगे जिनसे हमें इनकी वैल्यू मिले, तो माइनस फाइव ए प्लस फाइव जीरो के होगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ए की वैल्यू आ गई वन, ए इज वन। यहां से हम कंपेयर कर लेंगे इसको, थ्री एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन, तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री। नाउ इसको कंपेयर करिए, माइनस फाइव प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू फाइव। यहां से फोर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ये सभी वैल्यूज आ गई, इन्हें यहाँ पुट करते हैं, ए प्लस एक्स माइनस ऑफ बी प्लस वाई के अंदर।
ए प्लस एक्स यानी 1 प्लस 3 माइनस बी प्लस वाई यानी 5 ऑफ दिस इज वाई इज माइनस 4। यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया माइनस का 1 दैट इज 3, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो हमें बेसिकली काम क्या करना था, ये ए एक्स बी वाई हमें यहाँ निकालने थे, उसके लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपको इस टर्म की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी।